प्रिय दर्शकों, खबरों की ओर बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। इससे आपका कोई हर्ज नहीं होगा, लेकिन आपकी वजह से हमें और हमारी टीम को हौसला अवश्य मिलेगा। तो चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। इन दिनों गिरिडीह शहर में चोरों का कहर इस कदर बढ़ा हुआ है कि अब भगवान का घर अथवा मंदिर भी सुरक्षित नहीं रह गया। जानकारी के अनुसार पिछले एक दो माह से लगातार शहरी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में स्थित मंदिर में चोरी की घटनाएं घटित हो रही है। इसी क्रम में देर रात को भी शहरी क्षेत्र के शास्त्री नगर स्थित दुर्गा मंडप में चोरों ने मंदिर में लगे दान पेटी को तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना की सूचना सुबह उस वक्त हुई जब मंदिर के पुजारी गोपाल पांडे मंदिर का ताला खोलने के लिए पहुंचे। इसके बाद चोरी की घटना की सूचना पूजा समिति के पदाधिकारियों को दी गई। इधर मामले की जानकारी मिलने के बाद पूजा समिति के लोग पहुंचे और घटना का जायजा लिया, जिसके बाद मामले की जानकारी नगर थाना पुलिस को दे दी गई है। लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और इलाके में गश्ती तेज करने की मांग की है। शास्त्री नगर दुर्गा मंडप में हम लोग को सुबह भी पता लगा, दान पेटी एक सामने गेट पे लगा हुआ था जो कि तोड़ दिया गया। तोड़ कर उसका पैसा वगैरह था वो निकाल लिया गया। प्रशासन से मांग करते हैं कि थोड़ा सा सीसी कैमरा फुटेज रात्रि व्यवस्था रखे, पेट्रोलिंग वगैरह का ऐसा भविष्य में न हो। इसके साथ अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।